हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग 10.27 एलन वेव ओपिनियम का सिंगल सिस्टम में जेट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म में प्रॉब्लम नंबर 10.27 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। थोड़ा देख के डरावना है, एक एक्सजेट दे रखा है, जेट ट्रांसफॉर्म दे रखा है, जेट टू दी पावर -10, जेट टू दी पावर -7 ऐसे वाले जेट ट्रांसफॉर्म दे रखे हैं और इसका इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म एक्स एन फाइंड करना है फॉर एन लेस देन जीरो। राइट साइडेड सीक्वेंस है एक्स एन, मतलब राइट साइडेड इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो 10 के पावर में आ रहा है, अगर हटा भी दें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी 10 का जेट का पावर 7 आएगा। 7 वाले को अगर फैक्टर करके इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो जेट टू डी पावर 7 को फैक्टर करना हमारे बस की तो नहीं है भाई। अगर आपकी बस की हो तो कर सकते हैं, हमें तो नहीं आता है कि जेट टू डी पावर 7 है ना, 7 डिग्री के इक्वेशन को फैक्टर आउट कर लें। उतनी मैथमेटिक्स अभी हमने नहीं पढ़ी, आपने पढ़ी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम दूसरे तरीके से करेंगे। जब भी जेट के लार्जर पावर में हो तो प्रयास करिए कि लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई करें। लॉन्ग डिवीजन मेथड ही एक सॉल्यूशन हो जाता है। जो फैक्टर करके पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं उस मेथड से ये पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल तो होगा, मतलब बहुत ज्यादा लेंथी और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड बता रहे थे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में बताए थे कि दो तरीके का होगा, एक राइट साइडेड सिग्नल का जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, एक लेफ्ट साइडेड सिग्नल फाइंड करना है। मतलब इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म जो फाइंड कर रहे हैं वो राइट साइडेड सिग्नल लेफ्ट साइडेड सिग्नल के टर्म में। तो जब राइट साइडेड सिग्नल हम फाइंड करना है इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म में, तो जेड के इंक्रीजिंग पावर जेड के डिक्रीजिंग पावर में लेके आएंगे। राइट साइडेड सिग्नल लाना है तो जेड के डिक्रीजिंग, जेड इनवर्स जेड टू दी पावर -2, जेड टू दी पावर -3, मतलब जेड के डिक्रीजिंग पावर में लेके आएंगे आंसर। जेड के डिक्रीजिंग पावर में लेके आएंगे आंसर तो इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा डेल एन -1, डेल एन -2, डेल एन -3, ये राइट साइडेड सीक्वेंस बनेगा। अगर लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस के टर्म में लाना है तो जेड के इंक्रीजिंग पावर में लेके आएगा, जेड जेड स्क्वायर जेड क्यू, इससे आपका लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस बनेगा। डेल एन +1 इसका इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म होगा, जेड स्क्वायर का डेल एन +2, जेड क्यू का डेल एन +3 ऐसे। तो ये एन इक्वल टू -1 पे, एन इक्वल टू -2 पे, एन इक्वल टू -3 से ये लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस बनेगा। तो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस लाना है मतलब जेड के इंक्रीजिंग पावर में आंसर आना चाहिए। राइट साइडेड सीक्वेंस लाना है तो जेड के डिक्रीजिंग पावर में आना चाहिए। तो जेड का डिक्रीजिंग पावर चाहिए, राइट साइडेड सीक्वेंस चाहिए, मतलब जेड का डिक्रीजिंग पावर चाहिए। तो जेड के डिक्रीजिंग पावर में लिखकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना होगा। तो जेड का सबसे बड़ा पावर कौन है भाई, माइनस है, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। जेड टू दी पावर -3 सबसे बड़ा पावर है और इधर गुंजाइश है, जेट टू दी पावर -3 सबसे बड़ा पावर है, फिर -5 जेट टू दी पावर -7 प्लस जेट टू दी पावर -10। अंदर वाले में जेट का सबसे बड़ा पावर तो बनना है जीरो है, तो 1 + 4 जेट इनवर्स डिक्रीजिंग पावर में ना, जेट के घटते हुए पावर के घटते हुए क्रम में लिखना है, जेट टू दी पावर -7 प्लस 3 जेट टू दी पावर -10। अब डिवाइड करना है, अब क्या करना है हमें, डिवाइड करना है। कैसे करेंगे देखिए, जानते हैं डिवाइड करने के लिए, इसके पहले टर्म में इसके पहले टर्म को डिवाइड करते हैं। जहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवाइड करना है, हमने डिवाइड करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। 8th-9th क्लास के कुछ बच्चे थे, उन्होंने बोला डिवाइड करने के लिए बताइए, तो हम बोले ठीक है वीडियो भी बना देते हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो बन गई है, वो आप देख सकते हैं, डिवीजन अलजेब्रिक डिवीजन मैथ बेसिक्स में, शायद ना प्लेलिस्ट मैथ बेसिक्स वाले प्लेलिस्ट में उसको हमने डाल रखा है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कितनी बार से लगेगा, उसका तरीका क्या है कि डिविडेंड का फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिविजर का फर्स्ट टर्म
ये z टू डी पावर 3 हो गया। हमें कितनी बार से लगाना है, z टू डी पावर 3 बार से लगाना है। अब जितनी बार से लगाना है उसको पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, z टू डी पावर 3 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा z टू डी पावर माइनस 3 माइनस 5 z टू डी पावर माइनस 7 प्लस z टू डी पावर माइनस 10। पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो z टू डी पावर ए हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 5 z टू डी पावर 3 माइनस 7 प्लस z टू डी पावर 3 माइनस 10 और ऐड हो जाएगा 3 माइनस 3 ए 1 हो गया, z टू डी पावर 0 1 हो गया, माइनस 5 z टू डी पावर माइनस 4 प्लस z टू डी पावर माइनस 7। क्या लिख देते हैं, 1 माइनस 5 z टू डी पावर माइनस 4 तो कहीं है नहीं, जहां जब बनता है वहां लिख दूंगा, प्लस z टू डी पावर माइनस 7, हाँ ये तो है, z टू डी पावर माइनस 7 के सामने माइनस 7, साइन चेंज होगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होता है ऊपर वाले में से नीचे वाले को, जहां घटाना हो तो वहां साइन चेंज कर देते हैं। 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, z टू डी पावर माइनस 7 z टू डी पावर माइनस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4 z टू डी पावर माइनस 1 माइनस 5 z टू डी पावर माइनस 2। डिक्रीजिंग पावर ऑफ z के सीक्वेंस में हमको लिखना है z टू डी पावर माइनस 4 प्लस 3 z टू डी पावर माइनस 10। और फिर देखना है कि कितनी बार लगेगा, 4 z टू डी पावर माइनस 1 है ना, इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करिए ना, ऊपर हमारे पास जगह है, 4 z टू डी पावर माइनस 1 को डिवाइड करिए z टू डी पावर माइनस 3 से, 4 z टू डी पावर माइनस 1 प्लस 3 4 z स्क्वायर, कितनी बार से लगेगा, अगली जो टर्म है कितनी बार की लगेगी, 4 z स्क्वायर को पूरे से होल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z टू डी पावर माइनस 3 माइनस 5 z टू डी पावर माइनस 7 प्लस z टू डी पावर माइनस 10, पावर ऐड हो जाएगा 4 z टू डी पावर 2 माइनस 3 z टू डी पावर माइनस 1, इस तरह से चलेगा ना, करिए मल्टीप्लाई, क्या होगा 4 z टू डी पावर 2 माइनस 3 z टू डी पावर माइनस 1 z टू डी पावर 2 माइनस 7 z टू डी पावर माइनस 5, यहां लिखाएगा 5 इंटू 4 माइनस 20 z टू डी पावर माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5 z टू डी पावर माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8, आगे लिखाएगा 4 इंटू 1 4 4 z टू डी पावर माइनस 8 माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 5, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा माइनस 5 z टू डी पावर माइनस 2 माइनस 5 z टू डी पावर माइनस 4 माइनस, डिक्रीजिंग पावर में के ऑर्डर में लिखेंगे, प्लस 4 z टू डी पावर माइनस 8 3 z टू डी पावर माइनस 10, ठीक है। अब कितनी बार का लगेगा, देखिए बढ़ता जा रहा है भाई, ये वैल्यू जो अपनी बढ़ती जा रही है, माइनस 5 जेड टू डी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई जेड टू डी पावर माइनस 3, कितनी वर्क लगेगा, माइनस 5 जेड टू डी पावर माइनस 2 प्लस 3, ये हो गया माइनस 5 जेड, कितनी वर्क लगेगा, माइनस 5 जेड टाइम्स माइनस 5 जेड से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको, जेड पे पावर 1 माइनस 3 जेड टू डी पावर माइनस 2 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 जेड टू डी पावर 1 माइनस 7 जेड टू डी पावर माइनस 6 यहां जाएगा माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 25 जेड टू डी पावर 1 माइनस 10 जेड टू डी पावर 9 माइनस 9 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 5 जेड टू डी पावर माइनस 4 माइनस 20 जेड टू डी पावर माइनस 5 प्लस 25 जेड टू डी पावर माइनस 6 प्लस 4 जेड टू डी पावर माइनस 8 5 जेड टू डी पावर माइनस 9 प्लस 3 जेड टू डी पावर माइनस 10, ये आ गया, अब तो जगह भी ना बची। अगला कितनी बार का आएगा लगाएंगे तो नेक्स्ट, नेक्स्ट लगाएंगे
माइनस फाइव जेड टू डी पावर माइनस फोर डिवाइड बाई जेड टू डी पावर माइनस थ्री है ना, ये हो जाएगा माइनस फाइव जेड टू डी पावर माइनस फोर प्लस थ्री माइनस फाइव जेड टू डी पावर माइनस वन, मतलब अगले कितनी मार्क लेगा माइनस फाइव जेड टू डी पावर माइनस वन। अब देखिए धीरे धीरे घटते घटते अब जेड टू डी पावर माइनस वन आ गया, फिर अगला टर्म हो सकता है माइनस टू जेड टू डी पावर या माइनस थ्री आए, ये चलता जाएगा कहां तक जाएगा, हो सकता है जेड टू डी पावर सेवन तक जाएगा, माइनस सेवन तक जाएगा सर, लेकिन उतना हमें डिवाइड नहीं करना है। आपको आंसर में दे दिया डिटरमाइन एक्स एन फॉर एन लेस देन जीरो, एन लेस देन जीरो के लिए ही डिटरमाइन करना, आगे वाली वैल्यू डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर इसका इनवर्स जेड करेंगे तो ये डेल एन प्लस थ्री एन इक्वल टू माइनस थ्री पे, एन इक्वल टू माइनस टू पे, एन इक्वल टू माइनस वन पे, और ये एन इक्वल टू वन पे आ जाएगा, तो इसकी भी जरूरत नहीं है। अगर देखिए तो एक्स जेड हमारा है जेड क्यू प्लस फोर जेड स्क्वायर माइनस फाइव जेड माइनस फाइव जेड टू डी पावर माइनस वन डैश 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 दिख रहा है, ज्यादा आगे तो नहीं चलेंगे। यहां से एक्स एन फाइंड करेंगे तो एक्स एन इक्वल टू हो जाएगा इसका डेल एन प्लस थ्री प्लस फोर डेल एन प्लस टू माइनस फाइव डेल एन प्लस वन माइनस फाइव डेल एन माइनस वन, डेल एन माइनस वन तो क्या हो गया एन इक्वल टू वन पे वैल्यू चली गई, तो फोर एन लेस देन जीरो यही वैल्यू आई, मतलब फोर एन लेस देन जीरो एक्स एन की वैल्यू आ गई, एक्स एन इक्वल टू हम बोलेंगे डेल एन प्लस थ्री प्लस फोर डेल एन प्लस टू माइनस फाइव डेल एन प्लस वन, ठीक है यही है ना। तो एन लेस देन जीरो के लिए बस ये वाली वैल्यू आई है ना, डेल एन प्लस थ्री माइनस प्लस फोर डेल एन प्लस टू माइनस फाइव डेल एन प्लस वन, ये वाली वैल्यू, यही आंसर आ गया आपका। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा, हम तो सिंपल तरीके से करवाया है, समझ में तो आ ही जाना चाहिए, नहीं आया तो रिवाइंड करके देखें, ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादातर लोग इसको थोड़ा फास्ट करके देखेंगे क्योंकि हमने थोड़ा बेसिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से किया एक्सप्लेन, जिनको अच्छे से आता है वो ना 1.5 करके देखेंगे, स्पीड में करके वीडियो देखेंगे, हमें पता है, हम वैसे स्टूडेंट को भी लेके चल रहे हैं जिनका थोड़ा बेसिक्स वीक है, 11th और 12th में थोड़ा मस्ती मारे हैं, उधर थोड़ा गर्लफ्रेंड ज़्यादा घुमाया है, तो बीटेक में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, उधर मस्ती किए तो यहाँ मेहनत करिए, जो उधर मेहनत किए वो बीटेक में मस्ती करेंगे, उन्हें जल्दी समझ में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, एग्जाम आते हैं जाते हैं, मेहनत पे भरोसा रखिए, रिजल्ट पे भरोसा मत रखिए, रिजल्ट जो आना है आएगा, अपनी मेहनत जो अपनी एफर्ट लगा रहे हैं मेहनत लगा रहे हैं उस पे कंसंट्रेट करिए, रिजल्ट जो आना है आएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।